दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भैरवनाथ का वध किसने किया, तो उसका उत्तर है भैरवनाथ का वध माँ वैष्णो ने काली का रूप धारण करके किया था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक बिच्छू, एक राजा और चार सर्प। आइए कथा श्रवण करें। एक समय की बात है, एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। एक बार राजा अपने बगीचे में घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते उन्हें अपने बगीचे में एक बिच्छू दिखाई देता है जो एक वृक्ष के पास था। राजा उस बिच्छू के पास जाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं और उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना सर नीचे झुकाया तो राजा के साथ उनकी पत्नी व उनका मंत्री गए हुए थे। उन्हें यह दृश्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा और उनके साथ गए हुए आदमी महल वापस आ गए। राजा के मंत्री नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि महाराज, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप इतने बड़े राजा जिसके मस्तिष्क पर जनता तिलक लगाने को तरसती है, जिसकी कामयाबी की तुलना नहीं की जा सकती और जो इस दुनिया का सम्राट है उसने अपना सर बिच्छू के सामने झुका दिया, कुछ समझ में नहीं आया और मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा ने उस समय कुछ भी नहीं कहा। राजा केवल हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। जब एक महीना बीत गया तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम एक काम करो, तुम यह थैला लेकर जाओ, हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं। इस थैले में जो सामान है उसे बेच कर आओ, जाओ सारा सामान बेच कर आना। मंत्री ने उस समय उस थैले में देखा नहीं क्योंकि महाराज को अच्छा नहीं लगता। मंत्री उस थैले को लेकर महल के बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर उस थैले में देखता है तो उसमें उसे चार सर दिखाई देते हैं। उसमें एक भैंस का सर था, एक सुअर का सर और एक बकरी का सर और एक इंसान का सर था। मंत्री ने जब यह देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वह उसे लेकर गया बाजार में और उसने उन्हें बेचा। उसने भैंस का सर बेच दिया, बकरी का सर बेच दिया और सुअर का सर भी उसने बेचा, परंतु उसके पास एक सर रह गया जो कि इंसान का था। उसे समझ में नहीं आया कि वो उसे कैसे बेचे। उसने कई लोगों को बोला कि खरीद लीजिए खरीद लीजिए। उसे बेचते बेचते शाम हो गई, परंतु वह इंसान का सर नहीं बेच पाया और वह महल के लिए लौट गया। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज मैंने सारे सर बेच दिए परंतु यह इंसान का सर मैं नहीं बेच पाया, किसी ने भी यह इंसान का सर नहीं खरीदा। तो राजा ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम कल वापस इसे बेचने जाना और अब की बार तुम इसे मुफ्त में दे आना, बस तुम इसे बेच कर आओ और थैला खाली करके ले आओ। राजा ने कहा कि मुझे तुम बस खाली थैला दे दो। मंत्री फिर से अगले दिन वो थैला लेकर निकला और उसने कई लोगों से कहा कि भाई साहब इस सर को आप खरीद लीजिए, लेकिन सभी ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, कोई इंसान का सर क्यों लेगा, और अगर किसी ने हमें इसके साथ देख लिया तो हमें काल कोठरी में जाना पड़ेगा। इस दिन भी मंत्री उसे नहीं बेच पाया और वह वापस महल आ गया। उसने राजा से माफी मांगी और कहा कोई भी इसे मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं है, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा कि तुम्हें अब समझ में आया, तुम उस दिन मुझे सर झुकाने के लिए गलत बता रहे थे। मेरे मरने के बाद मेरे सर की कोई कीमत नहीं, क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे सर को बेच पाओगे या अपने पास रखोगे। तो मंत्री ने कहा नहीं महाराज, मुझे माफी दे दें। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में अहंकार का कोई महत्व नहीं होता। जो अहंकारी होते हैं उन्हें मरने के बाद कोई नहीं पूछता। भक्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।